हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल एमपी टेक्निकल पे। गाइस ये देखिए एक 3D D2H का सेटअप बॉक्स है। तो गाइस इसमें पावर का प्रॉब्लम हो रखा है, पावर सप्लाई का इशू है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इसका पावर सप्लाई कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। गाइस अगर आप नए हैं, अगर आप डायरेक्ट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं नए हैं, तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आप लोगों को ऐसे ही नॉलेजबल वीडियो मिलने वाले हैं और मिलते रहेंगे। तो गाइस इसको हम फटाफट ओपन कर लेते हैं। इसके कवर को हम रिमूव करते हैं। पहले इसके टेप को इस तरह से हटा लीजिए, क्योंकि इसका टेप आगे वाले बॉडी पे चिपका होता है, तो ये इसे खुलने नहीं देगा। ये देखिए खुल गया है। तो गाइस जैसा कि हमने इसको चेक कर लिया है पहले ही, इसमें पावर सप्लाई नहीं काम कर रहा है इसका। तो ये देखिए हमारे पास एक नया पावर सप्लाई है। गाइस अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये 85 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक में आसानी से मिल जाता है मार्केट में। वैसे 100 रुपये तक तो ले ही लेते हैं। तो हम इसको लगाने वाले हैं। ये देखिए हमने इसका पॉलीथीन निकाल दिया है। इस वायर को सेफ्टी के साथ खोल लीजिए। अब गाइस इस पुराने वाले तार को रिमूव करना है कार्ड से, सिग्नल कार्ड से। और इसके जो 4 स्लॉट होते हैं, यानी 4 लॉक होते हैं, इस लॉक को ऊपर से दबा करके और प्लेट को ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो ये निकल जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अगर हाथ से नहीं हो रहा है तो आप टेस्टर या पेचकस का सहारा ले सकते हैं। अब इसमें देखिए मेन लीड की जो 2 तार लगी हैं इसको तोड़ लीजिए इस तरह से। इसको कटिंग कर लीजिए, इसको साइड में रखते हैं। और ये नया वाला कार्ड जैसे हमने पुराने वाले को रिमूव किया है वैसे ही इसको डाल देना है उसी 4 स्लॉट के ऊपर। इसको थोड़ा प्रेस कर देना नीचे की तरफ, बैठ जाएगा। और इस तार को जैसे हमने उसको निकाला था एज इट इज़, वैसे ही नए वाले को लगा देना है कार्ड में, सिग्नल वाले कार्ड में। अब ये जो मेन लीड की जो 2 तार हैं, एक तो स्विच से आ रही है और एक मेन लीड से आ रही है, इनको छिल के प्रॉपर ऐंठ लीजिए। तार इधर उधर बिखर जाते हैं तो उनको जो घुमा लेंगे तो वो एक जैसा हो जाएंगे। उसके बाद इसको सोल्डिंग करना है। तो चलिए ये देखिए सोल्डर है, ये सोल्डर है और ये पेस्ट है, क्योंकि इसके पेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। ये देखिए पेस्ट के साथ जो हम सोल्डिंग करते हैं तो मजबूत जॉइंट होता है और जॉइंट एक ही बार में पकड़ लेता है, इसलिए कभी भी सोल्डिंग करिए तो पेस्ट के साथ ही करिए। हमारा आयरन रेडी है। थोड़ा हीटिंग कम है क्योंकि हमारे यहाँ वोल्टेज थोड़ा स्लो है। तो सोल्डिंग करना शुरू करते हैं। ये देखिए वोल्टेज थोड़ा लो है इसलिए आयरन प्रॉपर हीट नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, करते हैं, फिर भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमने पहले ही तार में पेस्ट लगा रखा है, ठीक से लगा लेते हैं एक बार। और इस तरह इसको किसी भी लेग पे जोड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, लेफ्ट राइट का कोई इशू नहीं है इसमें, किसी भी लेग पे आप जोड़ सकते हैं। ये देखिए एक लेग हमारा जुड़ गया है। अब दूसरा पॉइंट जोड़ते हैं। ये देखिए इस तरह से दूसरा भी पॉइंट जुड़ गया है। अच्छे से जोड़ लीजिए। जॉइंट में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा जॉइंट रहता है, बाकी खुला रहता है, तो उससे क्या होता है स्पार्क होने का चांस रहता है। इस तरह से हिला के देख लीजिए, जॉइंट कमज़ोर तो नहीं है। तो हमारा जॉइंट एकदम प्रॉपर है, ओके है। अब फाइनली इसको हम चेक करने वाले हैं कि इसमें अब पावर आ रहा है, यानी सेटअप बॉक्स ऑन हो रहा है, या इसके अलावा भी कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है। तो चलिए इसे पावर देते हैं,
बटन को ऑफ कर लें पहले, पावर देने से पहले। ये हमारा बोर्ड है, पावर जंक्शन टेम्परेरी है ये, क्योंकि मेरी तो कोई शॉप है नहीं, मैं घर पे ही करता हूँ, तो ही मैं अपने घर पे ही कर रहा हूँ ये। और घर में यूज होने वाला वो बोर्ड है, हमने पावर दे दिया इसमें, बटन को ऑन करते हैं। तो गाइस जैसा कि देख रहे हैं सेटअप बॉक्स ऑन हो गया है, यानी कि इसके पावर सप्लाई में ही इशू था, जो कि अब शॉर्ट आउट हो चुका है। देखिए चैनल नंबर 31 आ रहा है, और इसके बटन को भी हम चैनल को थोड़ा इधर उधर करके देखते हैं, ये भी ठीक ठाक काम कर रहा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे किसी और वीडियो में।